गाइस वेलकम बैक टू क्रेजी डांसिंग स्टार पावर्ड बाय क्रेजी ग्रुप। तो बहुत समय बाद हम लौट आए हैं हमारे रिजल्ट के साथ। चलिए गाइस डिस्कस करते हैं हमारे रिजल्ट्स। चलिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं जूही गोरे और श्रेया पल्लव के बारे में। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स का क्या कहना है। जूही गोरे एंड श्रेया पल्लव, सो मुझे इन दोनों में से जूही गोरे का ज्यादा अच्छा लगा। जूही गोरे का एक एक स्टेप जो है वो बीट पे जा रहा था, मतलब ऐसा कोई स्टेप ही नहीं था जो बीच में थोड़ा सा पावर लो हो गया था। हालांकि मैं बात करूँ श्रेया पल्लव की, तो उनका स्टार्टिंग का तो बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में देख के लगा कि हाँ मैं तो इनको ही वोट करूँगी, बट एंडिंग में थोड़ा सा पावर लो हो गया, स्टाइलिंग भी लो हो गया और अपने आप एक्सप्रेशन चेंज हो गए, तो मैं वोट करूँगी जूही को। नेक्स्ट है जूही और श्रेया। मैं इन दोनों में से जूही को वोट दूंगी क्योंकि जूही की जो स्टाइलिंग है वो बहुत अच्छी है और इसमें जूही के जो कॉस्ट्यूम है बहुत क्लासिक है जूही के कॉस्ट्यूम। एंड माइनस पॉइंट बोलूँ जूही का तो जूही एक्सप्रेशन और अच्छे दे सकती थी, बाकी मैं बोलूँ तो जूही का बहुत अच्छा था, तो मैं जूही को वोट दूंगी। माय नेम इज़ संचिता आदर। सो आज मैं मेरा रिजल्ट देने वाली हूँ। सो फर्स्ट ग्रुप था जूही गोरे और श्रेया पल्लव का, इसमें से मुझे जूही गोरे का ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज उनका जो स्टाइलिंग था, उनका जो एनर्जी पावर था बिल्कुल परफेक्ट था। सो मुझे जूही गोरे का अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि मुझे श्रेया का अच्छा नहीं लगा, मुझे उसका भी अच्छा लगा, बट मुझे ऐसा लगा कि वो ऑफ बीट जा रही थी। सो माय वोट गोज़ टू जूही गोरे। हाय, मेरा नाम सारा है और आज मुझे जूही और श्रेया के बीच में किसी एक को वोट करना है। तो जूही और श्रेया दोनों की डांसिंग मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि उनकी डांसिंग में एक्सप्रेशंस भी अच्छे थे और उनकी स्टाइलिंग भी अच्छी थी। लेकिन कोरियोग्राफी में मुझे श्रेया का थोड़ा कम अच्छा लगा क्योंकि श्रेया ने लिरिक्स पर अपने स्टेप्स नहीं बैठाए थे और उसकी कहीं कहीं पर बीट पर भी स्टेप्स नहीं बैठ रहे थे या फिर उसने बीट पर किया नहीं। अब अगर मैं बात करूँ कुछ नया करने की या कुछ वेरिएशन डालने की, तो उसमें मुझे श्रेया का कहीं कहीं पे वेरिएशन दिखा था, लेकिन जूही का मुझे ऐसा लगा कि उसने पूरा डांस एक ही स्टैंडिंग पोजीशन पे किया था। अगर वो कुछ उसमें बीच में कुछ अलग वेरिएशन डालती तो वो अच्छा लगता। लेकिन लास्ट में मुझे श्रेया की एनर्जी अच्छी नहीं लगी क्योंकि पूरे गाने में श्रेया का एनर्जी थोड़ा कम था जूही के कंपैरिजन में। तो अगर मैं ओवरऑल में बात करूँ तो मुझे जूही को वोट देना है। हाय एवरीवन, इस बार नॉकआउट राउंड बहुत अच्छा था और जो चारों सिलेक्ट हुए वो लोग भी बहुत अच्छे थे, इसीलिए सिलेक्ट हुए हैं। मुझे जूही गोरे और श्रेया पल्लव के बीच में सिलेक्ट वोट करना रहेगा, तो मुझे जूही गोरे का बहुत अच्छा लगा क्योंकि जूही गोरे का डांस का जो मूव्स आ रहा था, वो स्टाइल आ रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था और उनका गेटअप भी बहुत अच्छा था। और श्रेया का इसलिए अच्छा नहीं लगा, तो उनका डांस तो अच्छा था, थोड़ी गेटअप अच्छा नहीं लग रहा था और डांस में भी थोड़ी सी स्लो आ रहा था डांस। उसी श्रेया के अपेक्षा जूही का बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं जूही को ही वोट दूंगी। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम आकृति रविकांत मात्रे है। मैं आज अपना रिजल्ट देने वाली हूँ। फर्स्ट है कि मुझे जूही मैम वर्सेस श्रेया दीदी में से मुझे जूही मैम का बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनका डांसिंग स्टाइल डांस बहुत अच्छा है। श्रेया दीदी का वन माइनस पॉइंट था कि उन्होंने रिपीटेड स्टेप्स की, सो मैं वोट करती हूँ जूही मैम को। जूही गोरे को पार्टिसिपेंट ने दी है 600 मार्क्स, क्रेजी ग्रुप ने जूही गोरे को दिए है 3380 मार्क्स, आपने जूही गोरे को दी है 486 व्यूज और 41 लाइक, और जूही गोरे को 5 डिस्क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट ने वोट किया है, तो जूही का टोटल मार्क्स होता है 5704। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स का क्या कहना है। सेकेंड हम आते हैं श्रेया और जूही के बीच में। श्रेया और जूही में से मुझे सबसे अच्छा डांस श्रेया का लगा क्योंकि श्रेया के जो स्टेप्स थे और उसकी जो पावर थी कंपेयर टू जूही मुझे अच्छी लगी, सो मेरा वोट जाता है श्रेया को। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं श्रेया, तो अब मैं आज अपना वोट देने वाली हूँ।
श्रेया पल्लव को पार्टिसिपेंट ने दिया है 200 मार्क्स, क्रेजी ग्रुप ने श्रेया पल्लव को दिया है 2915 मार्क्स, आपने श्रेया पल्लव को दिया है 1600 व्यूज और 439 लाइक्स, और श्रेया पल्लव को एक डिस्क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट ने वोट किया है और श्रेया पल्लव का टोटल मार्क्स होता है 7273। और इस बैटल की विनर है श्रेया पल्लव, कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया। चलिए गाइस बात करते हैं सारा झा और सृष्टि यादव के बारे में, तो चलिए गाइस देखते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स का क्या कहना है। हाँ, सारा झा और सृष्टि यादव का, जिसमें से मुझे दोनों का अच्छा लगा, बट मुझे ज़्यादा अच्छा सारा झा का लगा, क्योंकि उनका जो बीट था बिल्कुल परफेक्टली जा रहा था और उनका स्टाइलिंग भी बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत सारे पावर मूव्स भी किए थे जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सृष्टि का भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने खुद के स्टेप्स भी बिठाए थे, उसका कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छा था, बट उसका हल्का सा लाइक ऑफ बीट जा रहा था, सो मुझे सारा झा का ज़्यादा अच्छा लगा। हे गाइस, सो माय नेम इज दिशि जैन। तो फर्स्ट हम आते हैं सारा और सृष्टि के बीच में। सारा और सृष्टि में से मुझे सबसे अच्छा डांस सारा का लगा, क्योंकि सारा की जो एनर्जी लेवल थी कंपेयर टू सृष्टि मुझे ज्यादा अच्छी लगी, और सारा के जो डांस मूव्स थे वो भी सृष्टि से ज्यादा अच्छे थे। और उसी जगह पर अगर हम सृष्टि को देखें तो सृष्टि के भी स्टेप्स अच्छे थे, पर फिर भी सारा के कंपेयर टू थोड़े से लो गए थे, सो इसीलिए मेरा वोट जाता है सारा को। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम इशिता चित्रोड़ा है। तो आज मैं अपना जजमेंट देने वाली हूँ। सो सारा और सृष्टि, मुझे इन दोनों में से सारा का अच्छा लगा, क्योंकि सारा के जो कॉस्ट्यूम थे वो भी अच्छे थे और सारा की कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी थी। जहाँ जहाँ सारा को लाउड स्टेप पकड़ने थे, सारा ने वहाँ लाउड स्टेप पकड़े, और सारा ने बीट भी बहुत अच्छे से पकड़ी, और सारा के एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे थे। तो मैं सृष्टि और सारा में से सारा को वोट दूंगी। नेक्स्ट है सारा दीदी वर्सेस सृष्टि। तो मुझे सारा दीदी का अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने कोरियोग्राफ बहुत अच्छी की थी, सो मैं वोट करती हूँ सारा दीदी को। थैंक यू। हाय गाइस, आई एम जूई गोरे और आज मैं अपना रिजल्ट बताने वाली हूँ। मुझे सारा और सृष्टि में से सारा का डांस काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज सारा की फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोरियोग्राफी बहुत ही अच्छी थी, एंड सेकेंड पॉइंट ये था कि उन्होंने कई कई जगह वाव मूवमेंट्स डाले थे, पावर मूव्स डाले थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे, एंड हर बेसिक स्टाइल इज ऑसम। उन्होंने एक फंकी लुक टाइप कुछ किया था, एंड लास्ट टाइम से भी अच्छा उनके एक्सप्रेशन इस टाइम थे, सो आई लाइक हर कोरियोग्राफी वेरी मच। एंड सृष्टि का मुझे थोड़ा सा इसलिए अच्छा नहीं लगा, बिकॉज उनकी थोड़ी सी कुछ कुछ जो स्टेप्स थे वो ऑफ बीट थे, एंड उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पावर डाल दिया था अपने डांस में, बल्कि वो ज़्यादा नहीं चाहिए था, एंड अगर वो थोड़ा और अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान देंगे तो उनकी कोरियोग्राफी और अच्छी हो जाएगी। सो मैं मेरा वोट सारा को देना चाहती हूँ। थैंक यू। पार्टिसिपेंट की तरफ से सारा झा को मिले हैं 500 मार्क्स, क्रेजी ग्रुप ने सारा झा को दिए हैं 3460 मार्क्स, आपने सारा झा को दिए हैं 779 व्यूज और 168 लाइक, और सारा झा को चार डिस्क्वालीफाइड पार्टिसिपेंट ने वोट किया है, सारा झा का टोटल मार्क्स होता है 6550। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स का क्या कहना है। अभी मुझे सृष्टि यादव एंड सारा झा के बीच में से वोट करना है, और मुझे उन दोनों में से सृष्टि यादव का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सृष्टि का जो गेटअप था बहुत अच्छा था और उसका डांसिंग बहुत स्पीड था, फास्ट था, इसलिए मुझे सृष्टि का मुझे और एक चीज़ अच्छा लगा, उसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मुझे सृष्टि का बहुत अच्छा लगा डांस। सारा झा का इसलिए अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका डांस तो अच्छा था लेकिन उसका डांसिंग में थोड़ी एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था, इसीलिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट थोड़ी सी, और इसीलिए मुझे सृष्टि का अच्छा लगा। आज हम फिर से मुड़ करने जा रहे हैं टॉप फोर को, जो कि है सारा झा एंड सृष्टि यादव।
सो मैं वोट करूँगी सृष्टि यादव को, बिकॉज मुझे सृष्टि यादव को कोरियोग्राफी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और पावर भी था, स्टाइल भी था, और स्टेप्स मतलब वेरिएशन बहुत सारे थे स्टेप में। पर हालांकि मैं बात करूँ सारा झा की, तो सारा झा ने मतलब कोरियोग्राफी तो बहुत अच्छी की थी, पर कहीं ना कहीं पावर बहुत कम था, स्टाइलिंग था, पावर बहुत कम था, और थोड़ा सा वेरिएशंस नहीं। सो मैं वोट करूँगी सृष्टि यादव को। सृष्टि यादव को पार्टिसिपेंट की तरफ से मिले हैं 200 मार्क्स। क्रेजी ग्रुप ने सृष्टि यादव को दिए हैं 3110 मार्क्स। आपने सृष्टि यादव को दिए हैं 355 व्यूज और 55 लाइक्स। और सृष्टि को 2 डिस्क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट ने वोट किया है, और सृष्टि यादव पर वोट हो रहा है 4265 मार्क्स। और इस बैटल के विनर है सारा जहां। कांग्रेचुलेशन सारा। सो गाइज, हमें हमारे टॉप 2 मिल चुके हैं, और ये था आज का रिजल्ट। और गाइज, अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ है, अब आएगा वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो चलिए गाइज, फटाफट मेहनत करिए, और वाइल्ड कार्ड एंट्री से जिसको एंट्री मिलेगी वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।